थोड़ा सा टेंट है। चले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, कंटिन्यू प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, है ना? क्या पढ़ रहे थे सिद्धांत मेरा? कंटिन्यू प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, है ना? उसी का थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो गया था, थोड़ा सा रिकैप 2 मिनट करवा देते हैं, है ना? कई मिनट लेट हो गया? 3 मिनट बाबू, एक एक मॉर्निंग में एक एक मिनट का वैल्यू रहता है। 4 मिनट, 4 मिनट हो गए। चलो तेरी 4 मिनट हो गया। चलो ठीक है। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे बाबू, कंटिन्यू प्रोपोर्शन पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहा था ना, है ना? बहुत सारे प्रोपोर्शन पढ़ा दिए तो आज टाइप, है ना? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लो सर तीन तीन गो रेशियो दिया हो रहा है, तीन गो नंबर दिया हो रहा है, ए बी सी दिया हो रहा है, इसका कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकाला, है ना? कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकाला तो बाबू 3 नंबर बाबू ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन तभी होगा जब ये मेरा क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो प्रोपोर्शन में कितने रेशियो होना चाहिए बाबू? 2 रेशियो होना चाहिए। 2 रेशियो कहने का मतलब क्या सर? 4 नंबर। जैसे बाबू मान लो इसको, जैसे मान लो बाबू 1:2 और बाबू प्रोपोर्शन बाबू 2:3, है ना? तो एक रेशियो ये हो गया सर, दूसरा रेशियो ये हो गया, है ना बाबू? ये रेशियो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन में। ये मेरा क्या है बाबू? प्रोपोर्शन में। अब प्रोपोर्शन में जब भी रहेगा बाबू, तो एक हमेशा एक लाख रुपए की बात है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो इधर से एक्सट्रीम टर्म ये हुआ और इधर से एक्सट्रीम टर्म ये हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। बराबर होगा बाबू। ये बाबू ये दोनों का प्रोडक्ट। तो ये मेरा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, नहीं है, ठीक है ना सर? क्योंकि 1:3 हो जाएगा और ये 2:4, तो 3 कभी 4 का बराबर होगा बाबू, तो ये रेशियो मेरा क्या होगा? कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं होगा। प्रोपोर्शन में तभी होगा शैतान, जब एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट और मीन टर्म का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा, तभी हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन में कहेंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं कहेंगे, है ना? नहीं कहेंगे ना बाबू? जैसे क्या सर? जैसे बाबू देख लो, मान लो बाबू 2:3, है ना बाबू? और बाबू क्या हो जाएगा बाबू? 2:3 बाबू, अब 4:6, है ना? ठीक है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा? प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा सर? आराम तो तरीका बाबू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो इधर से एक्सट्रीम टर्म ये सर और इधर से एक्सट्रीम टर्म ये सर, दोनों का प्रोडक्ट करो तो 2:6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बाबू मिडिल टर्म, है ना? ये मीन टर्म, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4:3 12 हो जाएगा। तो ये हम जो कहेंगे बाबू, ये जो रेशियो मेरा दिया बाबू, ये जो रेशियो दिया हुआ और ये जो रेशियो दिया बाबू, ये दोनों रेशियो आपस में किसमें? प्रोपोर्शन में। अपन आपस में क्या? प्रोपोर्शन में, है ना? ये सब हम बता चुके हैं। तो सिमिलरली बाबू, अगर तीन नंबर दिया और ये कहेगा बाबू अगर ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना बाबू, ये मेरा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तभी होगा, ये मैं एबीसी अगर दिया बाबू, तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तभी होगा जब क्या होना चाहिए? जब ये किस में होगा बाबू? प्रोपोर्शन में होगा। एबीसी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तभी होगा जब ये क्या होगा बाबू? प्रोपोर्शन में होगा। तो प्रोपोर्शन में कितना रेशियो चाहिए सर? 2 रेशियो, 1 रेशियो इधर सर, 1 रेशियो इधर, मतलब 4 नंबर चाहिए सर। तो इसको 4 बनाना, तो कैसे बनाएंगे सर? ए रेशियो बी लिखेंगे और जो मिडिल वाला टर्म रहेगा ना उसको 2 बार लिख देना, मतलब क्या सर? बी रेशियो सी, है ना? ठीक है, तो यहाँ से गुड मॉर्निंग, है ना? तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो बाबू। तो कैसे सिंप्लीफाई? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यही ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, तो ए इंटू सी बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, तो ये दोनों मीन टर्म बाबू, तो बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? ए सी लिखोगे, है ना? तो अगर मतलब क्या सर? बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया, है ना? मतलब क्या सर? अगर बाबू 3 नंबर दिया हो रहा है और कहेगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बाबू, ठीक है ना, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो क्या करना? बीच वाले का स्क्वायर कर देना, ये दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना, है ना? तो वहां से बाबू अगर ऐसा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहेंगे। इसका हम लास्ट एग्जाम्पल करवाया था, कितना क्वेश्चन इससे कंटिन्यू प्रोपोर्शन का करवाया था बताओ? करवाया था, 2-4 को करवाया था बाबू। बोलो सौम्या सर, करवाए थे सो गई थी बाबू, करवा दिया था शिवम। हाँ शिवम बोलेगा कि सोएगा। शर्मा जी वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा सर, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कितना क्वेश्चन करवाए थे सर? लास्ट में हम थे, होमवर्क दिए थे, वहां तक लिखते थे होमवर्क दो की वीडियो लास्ट वाला। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मान लो छूट जाता 10 मिनट तक नहीं देखते बाबू?
नहीं देखते हो क्या सर? दो क्वेश्चन कराए थे सर, दो ही हुआ था दोनों मेथड से, और एक आपका न्यूमेरिकल में। हाँ सर, दोनों मेथड से सर, दो। हाँ सर, दो ये करवाया था शिवांगी, छोड़ो जिसका कोई नहीं उसका शिवांगी निकाल। शिवांगी हाँ सर, दो ही कराए थे सर। ए शिवांगी दिखाइए जल्दी से, जिसका कोई नहीं उसका शिवांगी। चलो शिवांगी, ये तो शैतान है, ये तो अभी हवा पी रही होगी। चलो ठीक है बाबू, इसको बाद में इसको होल्ड कर रखो। था क्वेश्चन नंबर थ्री बाबू, थ्री नंबर बाबू क्या करा बाबू? ये वाला करवा सर, क्या बोल रहे हैं, आवाज कट कट के आ रहा है। 48x बाबू और 75 बाबू, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कितना क्वेश्चन की हो सर पूछ रहे हैं सर? दो। अच्छा तो ये वाला करवा दिया था, 48x तो बोल रहे हैं सर, देखे ना सर। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया था बाबू, 48x 75 बाबू और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं हुआ था। तो चलो लिखो क्वेश्चन नंबर टाइप, लिखो 48x 75 बाबू और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सर ये 12 है, 3p क्या है? 3p इसको भी होल्ड रखो, इसको भी होल्ड रखो, इसको अभी बाद में करवाएंगे, इसको सबसे लास्ट में करवाएंगे, इसको भी होल्ड पे रखो ठीक। ये क्वेश्चन लिखो बाबू, 40 है बाबू, 48 है, x 75 बाबू और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आर बाबू कंटिन्यू बताते हैं, डॉट बाबू बताते हैं, आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन बाबू, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आ थोड़ा पीछे वाला क्लास इतना दिन गैप हो जाता था, पीछे वाला पढ़ के आया करो। देन बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको अभी होल्ड पे रखो, इस क्वेश्चन को करवाएंगे अभी, इसको होल्ड पे रखो ठीक। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखा, थोड़ा तेज बनिए बाबू, रिक्वेस्ट करें तेज बनिए, हमको एक एक घंटा टाइम मिलता है, उसमें भी बाबू 2-4 मिनट आप लिखने में लोगों तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। सतीश बाबू वीडियो ऑन करो, लिख लिया, देखो कैसे बनाओगे, देखो हम आप पहले समझा देते हैं ना, 2-4 गो क्वेश्चन समझा देते, उसके बाद बनाते रहना। देखो बाबू कैसे करोगे सोल्यूशन, तो क्या करा बाबू, कंटिन्यू पर क्वेश्चन में कह रहा है, समझो शिवम बाबू क्या पूछना चाह रहे थे, शिवम क्या पूछना चाह रहे हैं बोलो बाबू। क्वेश्चन ऑफ 50 सर्स का न्यूमेरिकल समझा दे, क्या बाबू क्वेश्चन नंबर 15 का न्यूमेरिकल हम नहीं समझ पा रहे, आप कौन से 15 की बात कर रहे हो? क्वेश्चन ऑफ 15 में डाउट है, एग्जाम वाला, टेस्ट वाला सर, एग्जाम वाला। अच्छा एग्जाम वाला, अच्छा चलो अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू। क्या बाबू 48x 75 बाबू कह रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लास्ट का डेफिनेशन क्या लिखा? मान लो बाबू 3 गो नंबर है, ए है सर, बी है सर, और कह रहा बाबू ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन बाबू तो क्या करना है, बीच वाले को 2 बार कर देना, ए रेशियो बी बाबू, और प्रोपोर्शन बाबू, प्रोपोर्शन बाबू बी रेशियो सी कर देना। जब भी बाबू कोई नंबर दिया रहेगा कहेगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो बीच वाले को 2 बार लिख लेना, मतलब एक रेशियो में इधर और दूसरे रेशियो में इधर, है ना बाबू, दोनों रेशियो में लिख लेना ठीक है। अब यहाँ से बाबू ये कंसेप्ट है, अब ये क्या है प्रोपोर्शन में हो गया, जब प्रोपोर्शन में बहुत आपको बताया था बाबू, जो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बाबू, क्या बताया था प्रोपोर्शन में बताया था बाबू ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म है ना बाबू, क्या लिखा था ये, तो प्रोपोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बाबू इक्वल टू क्या बाबू, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म या मिडिल टर्म, यही कह सकते हो, अभी आ रहा है मीन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ बाबू मिडिल टर्म है ना ठीक है सर, मिडिल टर्म सर। तो एक्सट्रीम टर्म का है सर, तो इधर से पहला और इधर से पहला, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और मेन टर्म ये मिडिल टर्म, ये दोनों बीच वाला है, तो इसको क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, प्रोडक्ट है ना बाबू ठीक है ना, तो बी बी को हम लोग इधर ले लेते, बी बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर एसी हो जाएगा, ये हो गया बाबू। हाँ बोलो ठीक है, तो अब बाबू ये हो गया, क्या हो गया मतलब क्या सर, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि 3 गो टर्म दिया हुआ है, और उसका अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेगा मेरे बाबू, तो क्या करना, बीचे वाला जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, साइड वाला को मल्टीप्लाई कर, अरे यही ना हुआ है, बीचे वाले टर्म का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, और साइड वाला का क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, यही तो हुआ। तो आपको क्वेश्चन क्या करा बाबू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ शैतान, क्वेश्चन क्या दिया हुआ सर, दिया हुआ क्या सर, 48 है बाबू, एक्स है बाबू और 75 है, ये कह रहा बाबू किसमें सर, सीपी में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का रहा, तो कैसे करोगे सर, कैसे करोगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है सर, बीचे वाला स्क्वायर हो गया, रिजल्ट फाइनल बीचे वाला स्क्वायर हो गया, थर्ड वाला मल्टीप्लाई ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बीचे वाला का स्क्वायर कर दो, बीच वाला टर्म का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर साइड वाला का मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 बाबू और 75 है ना, अब बाबू ई स्क्वायर इधर उछल के जाए 3600
अच्छा ये स्क्वायर इधर उछल के जाएगा तो किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा, ये स्क्वायर इधर उछल के किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा। हाँ एक्स की वैल्यू निकालो बाबू तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा सर, 75 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे आगे क्या होगा, कौन बताएगा, कौन हमारा सबसे तेज विद्यार्थी बताए रोल नंबर नीचे। सर रूट 3600 हो जाएगा। हाँ सर मैं भी वही सर, इसका वैल्यू आ जाएगा 16। हाँ 16 आएगा ठीक है ना, इसको इसको मल्टीप्लाई या तो 3600 का भी क्या होगा सर, 48 × 75। चलो ठीक है 3600 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा। लेकिन चलो राइट डाउन करो, राइट डाउन करो कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन करो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है बाबू बता रहे हैं भी, एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्लास में बताया था रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। आज नीचे से शुरू करते हैं, बार बार शिवांगी से शुरू करते हैं और लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे नीचे में कौन प्रखर है और उसके नीचे में चौरसिया जी, 13 रोल नंबर चौरसिया, बीच में और नया वाला है नहीं, वेदांत जो चल गया ना तो वेदांत को हटा देते हैं, चौरसिया का 10 कर देते हैं, वेदांत हटा देते हैं, चौरसिया का 10 कर देते हैं। हाँ चौरसिया का सर कैसे 10 होगा सर, मैं ना पहले मेरा ना 10 होगा। बहुत लड़की, अच्छा ठीक है सर। सर सर ये सी पॉइंट पी क्या लिखा हुआ है, सी पॉइंट पी, अरे सी पी है क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बाबू, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा ओम शर्मा 9 रोल नंबर, पांडे जी भी नहीं आएंगे तो 10 प्रखर का कर देते हैं, प्रखर बाबू 10 हो गई और चौरसिया बाबू 11 हो गया, चौरसिया का रोल नंबर 11 हो गया ठीक। तो नीचे से चलते हैं, आज नीचे से चलेंगे, चौरसिया का 11 हो गया, 10 हो गया प्रखर का। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, इधर 1 2 3 जल्दी करो बाबू मेरा, 4 5 6 7 8 जल्दी करो जल्दी करो, चलो करो बताओ चौरसिया, इधर स्क्वायर जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट में तो आगे कुछ आएगा, 11 रोल नंबर बताइए बाबू, चौरसिया बाबू चौरसिया ये सही लिखा हुआ है, x बराबर ये स्क्वायर रूट ऑफ 48 75, लास्ट क्लास में बताए थे शैतान मेरे, बोलो ना चौरसिया। सीपी क्यों लिखे हैं सर, यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट इधर उछल के जाएगा तो आगे कुछ साइन उन आएगा सर, साइन उन कुछ नहीं आएगा, स्क्वायर रूट डाल दिए तो 10 बताओ बताओ प्रखर क्या सर, यहाँ पे बाबू ये स्क्वायर रूट इधर गए बाबू तो यहाँ पे आगे कुछ साइन आएगा बताओ, पॉजिटिव साइन आएगा और एक्स, अब बताओ 10 के बाद बाबू, 10 के बाद कौन है सर, मैं शर्मा जी आप बताइए, शर्मा 9 रोल नंबर, यहाँ पे क्या आएगा आगे कुछ में, जल्दी बोलो टाइम नहीं है बाबू, आगे कुछ का साइन नहीं आएगा सर, 8 बताओ पॉजिटिव साइन, अभिनव आनंद आप बताओ, ना आनंद का बारी, अभिनव आनंद सर प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, अरे शैतान जब भी यहाँ स्क्वायर रहेगा बहुत इसको स्क्वायर इधर स्क्वायर रहेगा इसको उधर लेके जाओगे तो आगे प्लस माइनस जरूर लिखना, आगे प्लस माइनस जरूर लिखना। क्या बोली सर, मैं अभी तो वही बोली थी सर, पॉजिटिव माइनस बोली थी, नेगेटिव, हाँ नहीं सर नेगेटिव नहीं, चलो ठीक है राइट डाउन करो, तो दोनों होगा, हाँ दोनों आएगा दोनों आएगा दोनों आएगा, बता भी कारण भी बता दिए थे, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस 60 आ जाएगा, फर्दर हम लोग x की वैल्यू लेंगे बाबू, x की वैल्यू लेंगे सर तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा है ना, 60 आ जाएगा, तो हम लोग कौन ला वैल्यू लेंगे सर, दो वैल्यू सर प्लस है माइनस है ना, प्लस है माइनस है सर, तो यहाँ पे बाबू बी की वैल्यू दोनों ले सकते हो, क्या दिक्कत है, यहाँ सर माइनस 60 सर 60 भी ले सकते हो आप, माइनस 60 भी ले सकते हो है ना। चलो बाबू अब बना तो अपने से क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, सर अभी x यहाँ दिए, x अभी हम यहाँ दिए, अभी x बाबू ऐसे कर देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू क्या करा सर, x है सर 25 है सर और क्या है सर 125 है ठीक है, आरसीपी दिया बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
अभी एक्स पहले ले लिए। कौन बताता है, कौन बताता है मेरे लाल, कौन बताता है पीला, हरियर, जल्दी करो जल्दी करो बाबू जल्दी करो। 75। अरे शैतान सही से कैलकुलेट करो। आ नहीं होता ना तो वही वही अभ्यक्त्य को देखो शिवम बताओ कैसे 75 आया। शिवम कहाँ काटने छटने में गलती कर दिया। प्रकाश नहीं बनाइए जल्दी से बाबू, थोड़ा तेज बनिए बाबा, आप लोग बच्चे नहीं रहे ठीक है ना सर। 5 आएगा क्या सर? हाँ काहे नहीं तेज बन रहे, हमारे पास रामदेव का चूर्ण देने के घोर के पिला देता के दम दम रहता तो सही मैम, सबको घोर के घर घर में जाके पिला देते दम। 5 रहेगा सर। हाँ सर सतीश बाबू कहाँ गलती हो गया था शिवम? 5 रहेगा। शिवम बोलता नहीं सर। 125 कौन 225 चेक किया। अल्लाह अल्लाह प्रकाश हैं प्रकाश से। हाँ सर कैसे नहीं बना बाबू? अरे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कर रहा था, क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का क्या होता है सर? एक्स हो गया सर, रेशियो होगा, बीच वाले टर्म को दो बार कर देना सर। ये प्रोपोर्शन हो गया सर, आप 25 रेशियो बाबू 125 कर देना, यही तो करना। और नहीं समझ में आता तो बीच वाला कट कर देंगे सर। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या करो सर? अब बाबू क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म कितना होगा? ये है सर, इधर से एक्सट्रीम इधर है सर, इधर से एक्सट्रीम इधर है, तो x मल्टीप्लाई 125 बराबर क्या, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म 25 मल्टीप्लाई 25 625। काहे कट करने के लिए परेशान हो, यहाँ से बाबू x की वैल्यू निकालो, तो ये मल्टीप्लाई में बाबू 125 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 25 125 सर। ये बाबू 25 से बाबू काटोगे 5 टाइम्स में, और ये बाबू 5 से 5 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 5 आ गया, तो यही x की वैल्यू, इसलिए यही तो x निकालने कह रहा था 5। आया नहीं समझ में आता तो नीचे वाले टर्म का डायरेक्ट स्क्वायर करो, तो 25 का स्क्वायर बराबर वही टर्म आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करो बाबू तो वही बात आएगा। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जब भी कहेगा तो नीचे वाले को दो बार लिख देना, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, तो इसका इसका गुना कर दो बराबर मेन टर्म। जल्दी करिए, ओके जल्दी करो बाबू मेरे जल्दी करो। हरी अप, समझ में आता है शिवानी कि ऐसे 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 ऊपर पार हो रहा है, स्कूल में जैसे पार होता है। शिवानी समझ में आता है सर? हम बनाए थे लेकिन पहले मेन को लिख दिए उसके बाद एक्सट्रीम को लिखे, तो गलती मेरा आंसर आ गया। अरे शैतान, तब देखो अनपढ़ अनपढ़ वाला बात मत करो, पहले मेन को लिख दोगे तो मान लो पहले ये लिख दे और उसके बाद अगर यही गलती की थी, उसके बाद अगर स्ट्रीम को लिखोगे तो बतिया तो वही पड़ेगा ना सर। तो 25 काट दिए तो 125 मेरा आंसर आ गया ना। चलिए दोनों भाई बहन एक के, चलिए जल्दी से करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बाबू। अब देखो एक बार एक्स कहाँ दिया सर, बीच में दिया सर, एक बार एक्स साइड में दिया सर। अभी नेक्स्ट बाबू मान लो सर 3-4x है, ये 3 है सर, 4 है सर, और x है, सीपी में है सर, तो कह रहा कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालो। कौन बताएगा मेरे लाल पियर हरियर, लाल पियर हरियर। बड़ा शिवम अभिनव प्रकाश, देखो अभिनव प्रकाश बोल रहे हैं 16/3। यस सर 16/3 सर, 16/3 आएगा। यस सर 16/3 आएगा सर, 16/3 ही आएगा। सर 16/3 हाँ 16/3 आ जाएगा। वाह मेरे लाल, वाह मेरे लाल, वाह 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 वाह। कैसे पीछे हो रहे हो, बन जाएगा इबला सबसे? हाँ सर, यस सर, बहुत इजी है।
कुछ नहीं करना सर, बीचे वाला का स्क्वायर कर देना है सर, बीचे वाला का स्क्वायर कर देना, साइड वाला का गुना कर देना। क्या कह रहा है सर? सर तीन है सर और ये चार है सर, कह रहा है सीपी में है, तीन चार बाबू सीपी में, तो सीपी में तो बीचे वाले को दो बार लिख दो, फोर हो गया सर, एक्स हो गया। अब ये साइड दूर दूर वाले के गुना, दूर दूर वाले के एक साथ, अब पास पास वाले को एक साथ, तो एक्स की वैल्यू 16/3, यही आंसर हो गया। लिखो बाबू लिखिए, बहुत इजी है सर। समझ में आया शर्मा, ओम शर्मा? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। चलो नेक्स्ट बाबू, अगर यहाँ पे नाइन करेंगे तो बाबू, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पे नाइन करेंगे तो, क्वेश्चन नंबर सिक्स है था 27 गलत है सर? नहीं बाबू सही है, गलत कह रहे हैं आप लोग, इतना पढ़ाए गलत बताएगा, गलत पढ़ाने के लिए होते हैं सर। 27 सर, x इक्वल टू सर 27 आ गया। हाँ x इज इक्वल टू 27 लेसन नहीं 27। हाँ चलिए बच्चे मन के सच्चे, चलिए बना बना जल्दी बना। चौरसिया कहाँ पीछे रह जाते हैं बाबू? चौरसिया सतीश कैसे पीछे आ जाता है? हम ही सुसाइड को सतीश को फंसाएंगे जेल में, देखो सौरसिया को फंसाएंगे, देखो प्रकाश सिंह को फंसाएंगे। आता है शांति से बैठा हुआ था, कैसे काहे नहीं समझ में आ रहा? हम सर जी सबसे आगे बना लेते, हम बोलते नहीं है कि आज जी ओ मेरे लाल बाबा बाबा बाबा। चलो बनाता क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, 7 ये है बाबू बनाओ, बहुत होल्ड। अच्छा ठीक है होल्ड पे, अच्छा ठीक है होल्ड पे बहुत रह गया बाबू। 12 बाबू 3p-6 बाबू 20c बाबू आर एन, ये होल्ड पे इसीलिए था, इतना हो गया ना, अब इसको बना आर एन बाबू सीपी। सर पी का भैलू, हाँ पी की भैलू निकालना है, ठीक है बाबू। 12 बाबू 3p-6 27 बाबू आर, आर बाबू आर एन, आर इन बाबू बताओ तो, सतीश कहता हम सबसे जल्दी बना लेते हैं, बताओ तो आर इन बाबू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू, बताओ शिवम, नहीं बताया तो ढूंढेंगे वैल्यू ऑफ बाबू पी। जैसे वहां अप्रोच किए वैसे बना, बना बनाने के लिए दिए, शैतान गप करने के लिए नहीं दिए। सतीश बना बाबू, कहता जा प्रकाश, अभिनय प्रकाश बाबू बनाए जल्दी से। 29 आएगा, गलती है, क्रॉस चेक करो। नहीं सर 19 आएगा, सही से चेक करो, आप ही बना के दिखा दीजिए सर। स्क्वायर रूट कितना आता है? हम तो बना के देखेंगे करेंगे सर, आप ही दिखा दीजिए। बता रहे बता, आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट करो ना, हम तो बताएंगे ना, हर एक क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं बताएंगे ऐसा थोड़ी है, अटेम्प्ट तो करो। 15 आएगा क्या? अरे कैलकुलेशन तो करना बाबू, बीच का स्क्वायर बराबर साइड का गुना, और उसको सिंपलीफाई करना है सर। सही है उनका? नहीं बाबू, अभिनय प्रकाश का देखो मेरा सही होगा, बता दो मेरा लाल अभिनय प्रकाश, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा तो सही बोलेगा सर। रुक जा, ये कर रहे कर रहे, हो गया बस। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप शिवम बाबू, शिवम सर अभी बना रहे, जल्दी 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 बाबू थोड़ा फास्ट करो ना, और कौन बच गया? अरे बीचे का स्क्वायर बराबर साइड का गुना, पी का वैल्यू 18 आएगा क्या? आ देखो तो देर से बोली लेकिन उतना सही नहीं है, 18 आ गया सर, 18 आ गया, हम गलती कर दिए थे। अरे शैतान पी की वैल्यू 18 गलती है, 3p-6 बराबर 18 होगा ना, वहां से पी की वैल्यू निकालना। सर 4 आएगा,
और एगो दो को भाई लो पहला ही कंसेप्ट होता है प्लस माइनस लेके सॉल्व करना बी का वैल्यू अरे दो का बाबू स्क्वायर है देखो जब भी बाबू पावर दो रहेगा तो दो भाई ले रहे हैं सब प्लस में जब भी बाबू पी का क्या रहेगा सर पी स्क्वायर रहेगा तो दो वैल्यू आएगा क्यूब रहेगा तो पी का तीन वैल्यू आएगा ये सब सीखो बाबू सीखो ये सब एगो तो सही है और बता सर 6 और 8 अरे शैतान क्या करा सर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिया हुआ ठीक है क्या करा बाबू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ शैतान मेरे है ना ठीक है सर तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया बाबू तो क्या करते बीचे का स्क्वायर कर देते बाबू क्या सर 12 है सर 3p अब देखो बन गया तो अच्छी बात है नहीं बना तो टेंशन मत लो 21 में बाबू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बाबू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ठीक सर तो हम लोग क्या करेंगे बीचे का स्क्वायर करेंगे ये बीचे वाला का स्क्वायर करते यही ना किया बाबू चार क्वेश्चन में तो 3p-6 क्यों नहीं आया शिवांगी इक्वल टू कितना सर साइड वाला का मल्टीप्लाई सर 12 × 27 ठीक शिवांगी क्यों नहीं आया बाबू ये शिवांगी ये सब हवा पीने वाले स्टूडेंट यस सर 4 आ रहा है फोर आ रहा तो दो का वैल्यू आएगा फोर आ रहा माइनस फोर आएगा देखो तो देखो तो अब बाबू ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा किस में जाएगा उछल का स्क्वायर रूट में जाएगा तो 3p-6 है ना 3p-6 इधर किस में जाएगा ई स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में जाएगा 12 × 27 अब बाबू जब इधर से इधर स्क्वायर रूट में भेजना तो आगे प्लस माइनस जरूर लिखना यहाँ पे समझना ठीक है ना प्लस माइनस जरूर लिखना बाबू देखो शैतान शांति से सुनो ठीक है ना ई पी का यहाँ ई स्क्वायर बाबू पी यहाँ लाओगे तो क्या जाएगा पी स्क्वायर जाएगा तो कोई भी बाबू कोई भी वेरिएबल पर जितना पावर रहेगा तो उसका उतना पी के पावर 2 है सर तो पी का 2 को वैल्यू आएगा पी पे पावर 3 है बाबू तो पी का 3 वैल्यू आएगा तीन वैल्यू कुछ हो सकता है मान लो 3, 4, 5 कुछ हो सकता है ना 2 को वैल्यू 2, 3 कुछ हो सकता है मतलब 2 को मान आएगा 2 को वैल्यू आएगा है ना बाबू ठीक है पी के पावर 3 रहेगा तो 3 को पी का वैल्यू आएगा पी के पावर 4 रहेगा तो पी पे कई को वैल्यू आएगा 4 को वैल्यू आएगा है ना 4 को वैल्यू कुछ हो सकता है 1 आ सकता है 2, 3, 4 ऐसे कुछ हो सकता है लेकिन 4 को वैल्यू आएगा है ना ठीक है सर ठीक इतना समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है अब बाबू ये स्क्वायर रूट है बाबू ये 12 × 27 है तो इसको सिंप्लीफाई करो ना इसको फैक्टर में करो और नहीं तो इसका स्क्वायर रूट निकालो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो बाबू √288 3p-6 बराबर कितना प्लस माइनस 288 आएगा शैतान 18 आएगा सर 18 आएगा इसको कैलकुलेट अरे शैतान नहीं समझ में आता था ऐसे करो फैक्टर निकाल सकते हो 12 का फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा सर 12 का फैक्टर करोगे तो 4 × 3 लिख सकते हो या बाबू 12 का फैक्टर करोगे तो 2 × 2 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 है ना चलो ठीक है नेक्स्ट बाबू 37 का फैक्टर करोगे तो 3 × 3 × 3 तीन बार ठीक अब यहाँ से बाबू पेयर पर चढ़ाओ यहाँ से बाबू पेयर चढ़ाओ 3p-6 अरे स्क्वायर रूट तो बाबू इतना सारा पढ़ा दिया अभी इसमें अगर दिक्कत होता बाबू तो वही बात है पानी लो ये 2 का स्क्वायर हो गया सर ये बाबू 3 का स्क्वायर हो गया सर 3 दो बार है ना बाबू 3 का स्क्वायर फिर यहाँ बाबू 3 दो बार आ गया तो 3 का स्क्वायर ठीक अब बाबू ये स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है यहाँ आगे क्या बाबू नहीं कुछ है यहाँ पे क्या ऑर्डर 2 है जिसको सर्ड से इंडेक्स में दिक्कत है बाबू शाम को 6 से 7 कर लेगा चल रहा है तो ये दो कैंसिल होगा अल्टीमेटली कितना बच जाएगा 3p-6 बराबर प्लस माइनस बाबू ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो 2 × 3 × 3 हाँ तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 18 हो जाएगा है ना तो 3p बाबू -6 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 18 हो जाएगा राइट आंसर बाबू ये और आगे नहीं पी की वैल्यू निकालना हमको क्या निकालना चाहता हम पी की वैल्यू निकाल एक बार प्लस लो बाबू एक बार माइनस लो वहां से पी की वैल्यू निकालो लिखो ऊपर लिख रहा है ऊपर बता रहे हैं अगर स्क्वायर रूट में किसी को दिक्कत है बाबू तो आप बैकअप क्लास कर सकते हो 6 से 7 इंडिसेस चल रहा है
यहाँ तक समझ में आया शिवानी? क्या रहा था उधर? यहाँ तक मेरा सही है, इसके बाद है गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, जल्दी से लिखे, इरेज करेंगे। तेजी से पढ़ा रहे हैं क्या चौरसिया? चौरसिया बाबू, ये चौरसिया सर, तेजी चल रहा है क्या बाबू? क्या सर? स्पीड ठीक है बाबू क्या? और थोड़ा तेज करें और थोड़ा तेज से पढ़ाएं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। अरे शैतान, कह रहे हैं स्पीड ठीक है बाबू की और थोड़ा तेज से पढ़ाए। नहीं सर ठीक है। प्रकाश से ये बोलवे नहीं करता कुछ है? प्रकाश से हाँ सर। काहे नहीं समझते बाबू, कसम खा के काहे बैठे हो ऊपर ऊपर, काहे लपार हो रहा है बताओ? धीमा हो गया सर यहाँ ऊपर वाला इरेज। चलो हो गया, वो इरेज करें बाबू, इरेज कर थोड़ा सा। देखो अब आप लोग क्या करो ना, लिखने में समझने में दोनों में तेज बनो। 6-7 महीना हो गया ना बाबू, अब सोचोगे सर हम शाम वाला जो 5 से 6 बैच है जैसे पढ़ाते उसी तरह से पढ़ाइए वहां पे, तो ये सब नहीं संभव है बाबू, है ना? नया बैच रहता तब हिज्जे करते x+x=2x। अब आप लोग अब उस तरह से हिज्जे वाला काम मत करवाओ। नेक्स्ट बाबू यहाँ सर, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर, यहाँ से आ जा, ठीक है? कितना है सर? 3p-6 सर। अब इक्वल टू बाबू दो को वैल्यू है तो दोनों वैल्यू लेना। एक बार सर क्या लेते हैं सर? +18 लेते हैं, और एक बार बाबू 3p-6 इक्वल टू क्या लेंगे बाबू? -18 लेंगे। दो वैल्यू है ना सर, तो एक बार पॉजिटिव लिए सर और एक बार निगेटिव लिया, दोनों को सिमल्टेनियस सोल्व करो, ठीक है? ठीक है सर। तो ये -6 है बाबू, -6 उछल के इधर जाएगा किसमें? प्लस में सर। तो 3p बाबू बराबर 18 बाबू, और ये माइनस इधर जाएगा किसमें? +6 में सर। तो यहाँ से बाबू 3p बराबर कितना? 24 हो जाएगा। तो p की वैल्यू अब देखो, ये 3 क्या है? मल्टीप्लाई में ना बाबू, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 24/3 ये 3 से 8 टाइम में आ जाएगा, तो 8 आ गया। तो p की वैल्यू कितना आ गया बाबू? 8 आ गया। एक तो ये p का वैल्यू आ गया, पावर 2 था सर, तो 2 का ऑर्डर आएगा। एक बार इसको सिंप्लीफाई करो बाबू मेरे, तो ये 6 इधर उछाल के जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो 3p बराबर आगे -18 सर, -18 सर, ये 6 उधर जाएगा किस में? +6 में सर। 3p बराबर -6 -18 +6 कौन बताएगा कि कौन है? सौम्या तो बताइए दे, बताओ अभिनय प्रकाश, अब अभिनय प्रकाश तो बताइए देगा। प्रकाश सिंह आप बताओ, -18 +6 प्रकाश सिंह? हां सर। -18 + 6 कितना? -18 + 1 तो बताए चौरसिया, चौरसिया आप बताए बाबू। अच्छा ठीक है, चौरसिया आप बताए बाबू, चौरसिया ये चौरसिया, आ नहीं तो सुसाइड करना पड़ेगा। यस सर। कितना होगा -12 होगा वह +12 बाम मेरे लाल, ऐसे करो पानी लो अजय श्री राम। बताओ शिवानी, हमको पता नहीं किसको -18 + 6 कितना? शिवानी कितना होगा? -12 अच्छा ठीक है, ये तो एक बार में गलती का है बोलते हो, ये कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा सर, तो -4 आएगा। हाँ बाबू, 3 के साथ पिक क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में करो, तो -12/4 तो 4 से 3 टाइम्स कट गया, आगे माइनस है तो -3 हो गया। अरे हाँ बाबू, ये 4 है, 3 है ना बाबू, तो ये 4 बार कटेगा, तो आगे कितना हो जाएगा सर? -4 हो जाएगा। तो p का 2 वैल्यू सर, p का एगो क्या है सर? -4 आया, इसलिए बाबू p का मेरे पास कितना वैल्यू बाबू? 2 वैल्यू, एक 8 है सर, दूसरा -4, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। लिखो, हम इंक डाल रहे हैं, मेरे में इंक खत्म हो गया, जल्दी से लिखिए। अब बाबू आपको दूसरा कंसेप्ट पढ़ाते हैं। इतना बाबू क्या सा कंसेप्ट है? हाँ बोलो ना। 3p-6 के स्क्वायर कैसे हो गया? अरे मेरे साहब, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या बताएं कि बीचे वाला का स्क्वायर करते हैं? हे प्रभु, कंटिन्यू प्रोपोर्शन इतना 4 को क्वेश्चन करवाया था, 3p-6 का स्क्वायर कैसे हो गया? दो आप पिछला क्वेश्चन देखिए ना बाबू सतीश, देखो पीछे वाला हद करते बाबू, ऐसा ऐसा खतरनाक। हाँ बोलिए। ठीक है सर, देखेंगे।
इतना खतरनाक डाउट पूछोगे बाबू तो कैसे होगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिखे जल्दी से लिखो शैतान। अरे आप लोग थोड़ा तेज बनो बाबू, आप लोग मेरा मेहनत सब बेकार करवा दोगे। कहाँ गलती हुआ था शिवम? शिवम शैतान, मेरा कहाँ गलती हुआ था? फोर बताए थे, माइनस क्यों नहीं बोले थे? अब तो सिर्फ फोर ही बोले थे। हम प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस नहीं किया था, तो प्लस माइनस नहीं करते बाबू, प्लस लेकर करते तो आठ आता, आठ भी नहीं बोले, कहीं ना गलती तो करवे किए थे ना। बोले थे सर, दोनों बोले थे, माइनस फोर नहीं बोले थे, आप सुने नहीं होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बाबू, इरेज कर रहे हैं, जल्दी लिखो। जल्दी लिखे शैतान मेरे। हो गया सर। चलो ठीक है बाबू, जो नहीं लिख पाते बाबू वीडियो देख के लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बाबू मीन प्रपोर्शन, नेक्स्ट बाबू मीन प्रपोर्शन, कंटिन्यू प्रपोर्शन हो गया। अरे मीन प्रपोर्शन कुछ हो नहीं है, मीन प्रपोर्शन कुछ हो नहीं है, कंटिन्यू प्रपोर्शन में कितना रहेगा सर? तीन टर्म रहता है, तीन टर्म रहता है ना, तीन टर्म दिया रहता है, बीच वाले टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, कंटिन्यू प्रपोर्शन निकल जाता है ना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू हेडिंग नहीं बाबू, मीन प्रपोर्शन।